हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल एंटरटेनमेंट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके ज़रिए आप अपने शादी की फ़ोटो में एक एल्बम बना सकते हो फ़ोटो से, और उसमें एक अपना मनचाहा म्यूजिक लगा सकते हो। जी हाँ फ्रेंड्स, मनचाहा म्यूजिक आप जो भी चाहेंगे आप अपने मोबाइल से वो कर सकते हो। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आपको करना क्या है फ्रेंड्स, सिंपली आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाके आपको फ़ोटो स्लाइड शो विद म्यूजिक सर्च करना है। ये फर्स्ट वाला ऐप आपको इंस्टॉल करना है, मैंने ऑलरेडी इसे इंस्टॉल कर रखा है, तो आप इसे इंस्टॉल कर लेना है। मैं इसे ओपन करके आपको भी बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको ओपन करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, ये देखिए क्रिएट स्लाइड शो विद म्यूजिक, ये देखिए। अब आपको करना क्या है, क्रिएट स्लाइड शो विद म्यूजिक पे क्लिक करना है। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आते रहते हैं क्योंकि ये फ्री है एकदम ऐप, इस वजह से इसमें एडवर्टाइजमेंट आएंगे, तो आपको कट कर देने हैं, जिसमें नो थैंक्स पे क्लिक कर देता हूँ। अब फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, आपको फोटो सेलेक्ट करने हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये देखिए साइड में फोल्डर्स दिए गए हैं, ये देखिए। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए मैंने कुछ फ़ोटोज़ डाउनलोड किए हुए हैं, ये देखिए मैंने कुछ स्पेशल वेडिंग यानी कि शादी के कुछ फ़ोटो डाउनलोड कर रखे हैं, इनको आपको सेलेक्ट कर लेना है और आपको डन पे क्लिक करना है। ऐड को कट कर देना अगर आए तो। किसी फ़ोटो को आप अगर दो बार सेलेक्ट करना चाहते हो उस पर टू टाइम्स क्लिक कर देना, तो दो बार सेलेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। के बाद आपको डन पे क्लिक करना है। फ्रेंड्स, इसमें म्यूजिक ऑटोमेटिक ही आता है, और आप अपना जो भी सॉन्ग लगाना चाहते हैं तो आप ये जो म्यूजिक का सिंबल है आपको इस पे क्लिक करके लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये मैं आपको एक बार इसको स्टाइल्स और दिखा देता हूँ उसकी। जैसे सेकंड थीम है, यहाँ पे लव लिख रही है, आपको फ्रेंड्स मैंने इसका साउंड ऑफ कर दिया है, इसमें ये ऑटोमेटिक साउंड आता रहता है। फ्रेंड्स, ये देखिए आपकी वेडिंग की एल्बम काफ़ी अच्छी हैं, जैसे आपकी वेडिंग में बनाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अब म्यूजिक ऐड करना है तो आपको इसी पे क्लिक करना है, और अपना गैलरी में से कोई भी म्यूजिक चूज़ कर सकते हो, जैसे कोई भी कर सकते हो, जैसे हसीनों का दीवाना जैसे मैं इसको करता हूँ, लेकिन मैं आपको चला के नहीं दिखा सकता। फ्रेंड्स, डन पे क्लिक करना है आपको। चला के फ्रेंड्स मैं आपको इसलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि यूट्यूब की कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं जिनका कुछ ऐसा रूल्स हैं जिन मैं आपको वीडियो चला के नहीं दिखा सकता हूँ। अगर मैं चलाता हूँ तो मेरे वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, जिससे कि मेरे वीडियो ब्लॉक हो जाएगा और चैनल भी बंद हो सकता है मेरा। तो फ्रेंड्स, आपको चला के इसको देख सकते हैं, लेकिन मैं एक सेकंड के लिए कुछ ज़रूर चला के दिखा सकता हूँ। मैंने वॉल्यूम कम कर रखा है, ये देखिए आपको गाने की थोड़ी सी आवाज़ ज़रूर आई होगी, मैं आपको ज़्यादा नहीं चला सकता। तो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, आपको फ़ोटो का टाइमर सेट करना है, जैसे कि कोई फ़ोटो आपको कितने सेकंड तक रखना है। तो ये देखिए, ये जो सबसे लास्ट में घड़ी का आइकन मिलेगा यानी कि क्लॉक का, ये देखिए आपको इसमें टाइम दिख रहा है आपका, ये ऑन हो जाएगी। आप इसको टाइम को सेलेक्ट कर सकते हो कितने सेकंड तक आपको एक फ़ोटो रखना है। तो मैंने जो सेलेक्ट था ऑलरेडी से उसे ही कर रखा है। आपको और फ़ोटो लगाने तो आप लगा सकते हो यहाँ से। तो फ्रेंड्स, आपको अब करना क्या है, इसमें स्टाइल्स नीचे हैं यानी कि आपको चेंज करने की। तो फ्रेंड्स, आपको सिंपली फिर डन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे स्टाइल्स आप देख सकते हो, ये जो है तो डन पे क्लिक कर देना है। तो ये जो है आपकी जो है ये देखिए प्रोसेसिंग चल रही है। तो फ्रेंड्स, प्रोसेसिंग चलने के बाद आपको ये पूरी हो जाएगी, लेकिन इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो इस वजह से मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, ये ज़रूर 100% वर्क करता है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।